हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस। मैं शिवम पांडे आप सभी को ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर सेकंड दूंगा। हमने लेक्चर नंबर वन में काफ़ी सारी चीज़ों को बताया था, खास करके कुछ चीज़ें थे जो फार्मूले थे उनको आज मैं दिखा दूंगा। लेक्चर नंबर टू हमारा ट्रिग्नोमेट्री पर, ठीक है। मैंने त्रिकोणमिति आप जानते हैं, हिंदी बताया था मैंने, मैं आपको मिक्स पढ़ाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री उस दिन आपको मैंने ये बताया था, ए एस टी सी, ये आपको मैंने समझा दिया था। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ठीक, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव। सी का मतलब केवल कॉस और सेक, ये दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव। इसमें साइन और कॉसेक क्या होंगे, पॉजिटिव। और इसमें टैन और कॉट, ये दोनों चीजें क्या होंगी, पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव यानी सारे जो होंगे पॉजिटिव होंगे। आपको डिग्री होता है जीरो यहां पर था, 360 यहां पर था, ये 90, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, ठीक। आपको सारा ये मैंने डिटेल से पढ़ा था पिछले लेक्चर में, ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में मैंने ये सारी चीजें आपको डिटेल में बताई थी। अब इसको हम आगे बढ़ाते हुए आपको ये बताना चाह रहे हैं कि केवल हमारा काम इन्हीं दोनों तक का है, हमारा काम इन्हीं दोनों तक का है। आगे आपको बताया भी जाएगा, लेकिन पहले कुछ मान है जो निकाल लेने चाहिए हमें। जैसे हमारा पहला पोर्शन क्या था, आल, ये था हमारा पोर्शन ना, ए वाले में क्या था, 90 माइनस थीटा, ऐसे मेरा बना था, यहाँ पे 0 डिग्री, यहाँ पे 90, ये इतने का क्या मान था, 90 माइनस थीटा, ये था ना। इसमें क्या बताया था मैंने, सारे चेंज होते हैं, ठीक, इसमें बताया गया था सारे चेंज होते हैं, लेकिन सभी क्या आते हैं, पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। और ये चेंज भी होते हैं, ये भी बताया गया था कि 90 और 270 में चेंज होते हैं, बाकी 180 और 360 में बिल्कुल चेंज नहीं होता, ठीक। तो इसमें पहले हम क्या करेंगे, साइन कर लेते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक। दूसरा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, ये दोनों के पड़ोसी है, ठीक, इनके पड़ोसी ये हैं और इनके पड़ोसी ये, इसीलिए चेंज होते हैं, ठीक। ऐसे टेन में आते हैं, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, ठीक। अब कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, टेन थीटा, ठीक, ये चारों हो गए। पांचवा क्या था हमारा, सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा, ठीक, और कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, ठीक। ये था हमारा फर्स्ट का दोस्तों, ए वाला पार्ट, ठीक, 90 माइनस थीटा, ठीक, ये 90 माइनस थीटा का था। ये 6 पॉइंट है हमारे, 1, 2, 3, 4, 5 और ये हमारा 6। इन 6 पॉइंट को नोट कर लीजिए क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, इन चीजों पे हमें ध्यान देना होगा बिल्कुल, ठीक। अब जैसे हमारा सेकंड पोर्शन आ रहा है, इस वाले हिस्से का है, इसमें क्या था, 90 डिग्री प्लस थीटा और 180 डिग्री माइनस थीटा। जिसको ये समझ में ना आ रहा हो या 180 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री प्लस थीटा, ये क्या है, तो आप हमारे लेक्चर नंबर फर्स्ट को पहले पढ़ लीजिए, तब हमारे लेक्चर नंबर सेकंड पे आइए, तब आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि 90 डिग्री माइनस थीटा क्यों बता रहे हैं, प्लस थीटा क्यों बता रहे हैं, ठीक। तब अब हम आपको बता रहे हैं इसमें का ये वाला हिस्सा, दूसरा वाला, इसमें क्या पॉजिटिव होता है, केवल साइन और कॉसेक, ठीक। क्या होगा, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक, सभी को लिख दे रहे हैं, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सेक 90 डिग्री प्लस थीटा, और लास्ट वाला क्या था हमारा, कॉसेक 90 डिग्री प्लस थीटा, ठीक। साइन किस में चेंज होता है, सबको पहले चेंज कर लो, कॉस थीटा, साइन थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, और ये हमारा सेक थीटा। साइन किस में चेंज होगा, साइन वाला हिस्सा क्या होगा हमारा, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, खास करके कॉस पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव होगा, ठीक, केवल साइन और कॉसेक, सॉरी साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे, ठीक, ये साइन हमारा ये है, कॉसेक ये पॉजिटिव, बाकी सारे क्या होंगे,
निगेटिव, इसी ध्यान रखना ठीक। 90 प्लस थीटा में साइन और कॉस को छोड़ के सारे निगेटिव ठीक, और 90 माइनस थीटा में सारे पॉजिटिव होंगे, चेंज होंगे लेकिन सारे पॉजिटिव होंगे ठीक है। नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नोट हो गया ना, अब कुछ सूत्र बता दे रहे हैं आपको। अब कुछ फार्मूले हैं ठीक, कुछ फार्मूले हैं जिनको हम बता रहे हैं। साइन ठीक, ये हो जाता है हमारा साइन ए प्लस बी ठीक, साइन ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी ठीक, टैन ए प्लस बी ठीक, और ये हमारा कॉट ए प्लस बी ठीक। क्या बनाएगा सबका बारी बारी से सूत्र जान लेते हैं। साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी ठीक, प्लस कॉस ए साइन बी ठीक। किसका सूत्र है, साइन ए प्लस बी का सूत्र है ठीक। दूसरा कॉस ए प्लस बी, क्योंकि क्या होगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी ठीक। किसका सूत्र है, कॉस ए प्लस बी का सूत्र है ठीक। अब टेन ए प्लस बी पे आते हैं, क्या होगा टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी ठीक। ये टेन ए प्लस बी का सूत्र ध्यान से देखिएगा, सब पे डिब्बा बना दे रहे हैं, बॉक्स बॉक्स बना दे रहे हैं सब पे, कोई कंफ्यूजन ना हो ठीक। कौन किसका है, अब कॉट पे आते हैं, कॉट पर क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए, ये किसका सूत्र है कॉट ए प्लस बी का ठीक, कॉट ए प्लस बी का सूत्र है। ये चार सूत्र प्लस से आए हैं, अभी चार सूत्र माइनस से भी आएंगे। देखिए माइनस का साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी ठीक। ये था हमारा पांचवा सूत्र, छठा देख रहे हैं कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ठीक। ये छह के छह सूत्र याद कर लीजिए, याद भी कर लीजिए नोट भी कर लीजिए ताकि कोई दिक्कत ही ना हो आपको। नोट कर लीजिए जल्दी से, नोट हो गया ना। सातवां देख लीजिए, ठीक सातवां टैन ए माइनस बी का, टैन ए माइनस टैन बी अपॉन वन प्लस टैन ए इंटू टैन बी। ये था हमारा सातवां टेन का। अब हमारा क्या बचा है, केवल कॉट का, कॉट का इधर देख लीजिए, कॉट ए माइनस बी में क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए ठीक। ये हमारा सूत्र संख्या कौन था, आठवां ठीक। ये आठवां सूत्र है ट्रिग्नोमेट्री के। आज का हमारा लेक्चर खास करके सूत्रों पर ही है, क्योंकि सूत्र जब तक जानेंगे नहीं ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति हमारा लगेगा नहीं ठीक। सूत्र जितना जानेंगे उतना ही इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री लगाना, जितना इंपॉर्टेंट सूत्र है उतना इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्री लगाना भी है, क्योंकि जब तक ट्रिग्नोमेट्री में हम सूत्र नहीं जानेंगे तब तक हम ट्रिग्नोमेट्री को लगा ही नहीं सकते। अगर सूत्र याद हो गए सारे तब एकदम आसान से ठीक हलवा जैसा होगा, उठाओ तुरंत खा लो ठीक, और नहीं याद है हलवा भी बहुत मुश्किल हो जाता खाना ठीक। नोट कर लीजिए जल्दी से आठो, जल्दी से आठो नोट कर लीजिए। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को, और लाइक करें वीडियो को, शेयर भी करें अपने मित्रों के पास, शेयर भी करें ताकि संख्या बढ़े भाई। आप लोग से ही उम्मीद है कि आप लोग संख्या बढ़ाएंगे, और जो टेलीग्राम चलाते हो वो हमारे टेलीग्राम चैनल एक्सेल कोचिंग क्लासेस नाम से है, ज्वाइन कर लें ठीक। और टीचमेंट ऐप, एक ऐप होता है हमारा टीचमेंट ठीक, टीचमेंट ऐप है, इस पर आप सर्च करें एक्सेल कोचिंग सेंटर ठीक, एक्सेल कोचिंग सेंटर से सर्च करेंगे तो वहां पर आपको हमारा कोचिंग सेंटर मिल जाएगा। और जैसे कोचिंग सेंटर मिलेगा उस पर हमने कई क्लास टेंथ के कई सारे पीडीएफ, सेशनल एग्जाम, सेशनल टेस्ट, कई चीजें अपलोड कर दी हैं,
आप लोग देखें, खास करके टीच मेंटर आप जरूर अब चलाएं, ठीक। और यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को ज्वाइन करना भूले ना, अपने मित्रों के पास शेयर करते रहे, ठीक बच्चों। अब आ जाते हैं कुछ और सूत्रों पर, ठीक। इतने सूत्र हो गए, नोट हो गए होंगे, कुछ और सूत्र हैं जो हम बता दे रहे हैं। कुछ जैसे प्रमेय होते हैं, थ्योरम्स, थ्योरम्स टाइप वाले, कुछ जो थ्योरम लोग कहते हैं ना, थ्योरम वाला पढ़ा करो, प्रमेय वाला सूत्र। प्रमेय वाला सूत्र क्या होता है? पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। देखिए अब इसके कई फॉर्म बना रहे हैं, ठीक। कॉस हमारे इधर प्लस में है, ठीक। ये पूरा हमारा कॉस इसमें है प्लस में, इधर जाएगा तो माइनस, तो ये क्या बना लेगा? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। एक सूत्र हमारा ये बन गया साफ साफ, ठीक। आप इसी में आ जाइए, साइन स्क्वायर थीटा हमारा किसमें है? प्लस में है, इधर जाएगा तो ये माइनस, ये भी बना लेगा, तो क्या बनेगा? कॉस स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। एक सूत्र से दो सूत्र और हमने निकाल दिए, ठीक। इधर प्लस में, इधर गया माइनस में, ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए, और खास करके तो इसको तो हमें पहले वाले को याद रखना है, ठीक। ये था हमारा पहला। दूसरा, sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक। किताबों में ये लिखा मिलता है, ठीक, किताबों में ये लिखा मिलता है, लेकिन इसके अलावा जब हम कुछ तोड़ेंगे तब वो हमें नहीं पता चलता है, ठीक। कैसे? अभी देख रहे हैं, tan हमारा इधर किस में है? पॉजिटिव में है, इधर जाएगा इसके साथ तो निगेटिव यानी माइनस में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ठीक। एक ये सूत्र बन गया, ठीक है। अब इसी के साथ एक यहां पर क्या है, एक प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में, तब क्या बनाएगा? ये tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन, ठीक। हमें केवल किताब का ही नहीं पढ़ना है, उससे हमें डेरिवेट भी करना है, ठीक। डेरिवेट जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे हमारा ज्ञान भी बढ़ता है, ठीक। देखिए sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमें इतना करा था। अब हमने किसका मान निकाला? sec स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। अब उसके बाद क्या निकाला? टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा माइनस का वन। ये थे हमारे दो। तीसरा हमारा क्या है? cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन प्लस cot स्क्वायर थीटा, ठीक। ये भी इनके जैसे हालात है, हालात बदलो, एक किस में है? प्लस में, इधर आएगा तो इस साइड भेजो माइनस में, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस वन इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा, ठीक, cot स्क्वायर थीटा। एक सूत्र मेरा ये बना, ठीक। दूसरे का जा रहे हैं, ये cot स्क्वायर थीटा हमारा किस में है? प्लस में है, ठीक, प्लस में है, तो प्लस को इधर लाओ माइनस करो, क्या हो जाएगा? cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। ये हमारे सूत्र है, तो हमें इनको भी याद रखना है, इनको भी याद रखना है, इनको भी याद रखना है। इतना याद रखने से काम चल जाएगा हमारा, ठीक, काम तो हमारा चल जाएगा, लेकिन जब मेरे समय पर आएगा तब हम भूल जाते हैं कि इनको भी याद करना है, ठीक, इनको भी याद करना है, तो इनको भी याद करते रहिए। कोई जरूरी नहीं है कि इन्हीं तीनों को याद कीजिए, जो एक दो बन रहे हैं इनको भी याद करना है, ठीक है। सूत्र नोट कर लीजिए, तब तक वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दिए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहें, ठीक बच्चों। नोट हो गया ना? अब आगे कुछ और सूत्र हैं, ठीक, आगे कुछ सूत्र और हैं, वो भी बता रहे हैं। हमने पहले बताया कि आज की हमारी क्लास खास करके थ्योरम्स यानी फार्मूलेस पर बेस है। अगला फार्मूला, ठीक, अगला फार्मूला बता रहे हैं आपको, जैसे साइन टू ए बराबर टू साइन ए कॉस ए, ठीक ठीक। ये हमारा टू साइन ए का, साइन टू ए का फार्मूला, इसी से साइन थ्री ए का फार्मूला निकाल लीजिए, ठीक। थ्री साइन ए माइनस फोर साइन क्यूब ए, ठीक। ये था हमारा दूसरा। तीसरा, कॉस टू ए बराबर
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, अब 25-25 मिनट के दो लेक्चर कर दीजिएगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब हमने अभी सूत्र पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, अभी ये सूत्र हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा। ठीक, इसी से दो फॉर्मूले निकाले थे, कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, एक और निकाले थे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, ये दो सूत्र निकाले थे, देखो प्रयोग हो गया। ठीक, प्रयोग तुरंत हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा ये इसके जगह पर क्या रख दें, इनको रख दे रहे, तब क्या होगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस तो होता है, ठीक, मल्टीप्लाई तो नहीं रहा, केवल जुड़ेगा, तो क्या होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, कॉस टू ए का एक सूत्र ये भी बन गया हमारा। ठीक, एक सूत्र ये बना, एक सूत्र हमारा ये बना। ठीक, अब इस वाले हिस्से से, अरे सॉरी इस वाले हिस्से से, ठीक, कॉस टू ए का मान निकालिए, कॉस को अपनी जगह पर रहने दीजिए, अब किसका मान रखेंगे साइन का, क्या होगा कॉस स्क्वायर ए माइनस ब्रेकेट में वन माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस प्लस, अब मल्टीप्लाई हो रहा माइनस हो जाएगा। ठीक, कॉस स्क्वायर ए माइनस वन माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या हो जाएगा एक एक दो हो गया ना, दो कॉस स्क्वायर ए माइनस का वन, कॉस टू ए का ये भी सूत्र है हमारा। ठीक, ये भी कॉस टू ए का सूत्र है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, अभी बता रहे हम आपको कैसे ये आ गया। ठीक, अभी ये कैसे आया, ये कैसे आया, सबको डेरिवेट करके बता रहे हैं फार्मूले के अनुसार। ठीक, जो फार्मूला लिखाए हैं ना, जो भी फार्मूला हमने लिखाया है उसी पर डेरिवेट करके हम आपको बता रहे हैं सब कैसे आया। ठीक, तब तक नोट कर लीजिए जल्दी से। नोट हो गया ना, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक, अब हम आपको बता रहे हैं आया कैसे, चलिए समझिए, ध्यान से समझिएगा एकदम। पहले क्या था हमारा, इधर सूत्र नोट कर लीजिए, साइन टू ए बराबर टू साइन ए कॉस ए। ठीक, ठीक, अभी सूत्र पढ़ा हमने साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कॉस ए कॉस बी। ठीक, प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, टू ए है हमारा ना, इसको ए भी, ये ही तो हमारा ए प्लस ए दो हो गए। ठीक, क्या हो गया ए का मान तो ए ही है, बी का मान भी क्या है हमारा ए, तो साइन ए प्लस ए बराबर साइन ए कॉस ए। ठीक, प्लस कॉस ए साइन ए। ठीक, यह गया हमारा, और ए क्या होता है टू ए, साइन टू ए बराबर ये भी सेम चीज, ये भी सेम चीज। ठीक, आगे पीछे लिखा है, आगे पीछे लिखा है, चीज देखिए ए का और एक कितना होता है दो, दो साइन ए कॉस ए। ठीक, ये था साइन टू ए का सूत्र निकालना। ठीक, साइन टू ए का सूत्र ऐसे निकल गया। सेकेंड नंबर, साइन थ्री ए का कैसे निकलता है। ठीक, तो दो एक तीन पता हमें ना, दो एक तीन टू ए प्लस ए, ये सूत्र हमें पता है। ठीक, ए का मान कितना है टू ए, ठीक, बी का मान ए, क्या होगा सूत्र रख दीजिए साइन टू ए ठीक इंटू कॉस ए, ये हो गया हमारा। ठीक, प्लस कॉस टू ए इंटू साइन ए। अब साइन टू ए का सूत्र हमें पता है क्या होता है, टू साइन ए कॉस ए इंटू कॉस ए। ठीक, प्लस कॉस टू ए का सूत्र बताया गया आप लोगों को। ठीक, बताया गया है, अभी कौन सा सूत्र हम रखेंगे कॉस टू ए का, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, ये वाला सूत्र रखेंगे। ठीक, तो क्या होगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए इंटू साइन ए। ठीक, ये हमारा हो गया, आप इधर आ जा रहे टू साइन ए इंटू कॉस, आधार सेम होते हैं यानी जो ये हमारा बेस है सेम है, पावर्स ऐड करते हैं यानी घात जुड़ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। ठीक, प्लस
एक एक कम एक यानी हो गया हमारा साइन ए माइनस दो साइन स्क्वायर इंटू साइन ए यानी साइन क्यूब ए। बेस सेम यानी आधार सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है एड जाती खाते जुड़ जाती है। ठीक अब देखिए टू साइन ए ठीक कॉस स्क्वायर ए का मान क्या होता है बताया गया था कॉस स्क्वायर ए का मान बताया गया था वन माइनस साइन स्क्वायर ए। सबसे पहले वाले सूत्र में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन उसी से मैंने ये सूत्र लेके आया ठीक मैं सूत्र लेके आया हूं उसी से यहां हल करेंगे। कॉस स्क्वायर ए का मान रख दीजिए वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। ठीक ये आ गया हमारा इधर नोट कर लीजिए बताए इधर नोट कर लीजिए नोट हो गया ना देखेंगे दो एकम दो टू साइन ए ठीक प्लस माइनस माइनस टू साइन क्यूब ए साइन ए इंटू साइन स्क्वायर ए साइन क्यूब ए ठीक प्लस साइन ए माइनस टू साइन क्यूब ए। ठीक अब ये जो आया है ठीक इधर हम देख ले रहे हैं जो बचा हमारा हिस्सा दो और एक ये हमारा दो है ये हमारा एक है दो एक तीन यहां क्या हो गया तीन साइन ए ठीक माइनस का दो साइन क्यूब ए माइनस का दो साइन क्यूब ए दो चार यानी माइनस फोर साइन क्यूब ए। ठीक ये हमारा किसका मान है साइन थ्री ए का ठीक है देखिए डेरिवेट करके मैंने दिखा दिया ठीक डेरिवेट मैंने करके दिखा दिया कि साइन थ्री ए का मान ये होता है तो साइन टू ए का मान ये होता है। ठीक ऐसे आप लोग कॉस टू ए का मान भी निकाल सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है साइन कॉस थ्री ए का भी मान निकाल लीजिए टेन टू ए का मान भी निकाल लीजिए। ठीक इधर नोट कर लीजिए आप जल्दी से जल्दी नोट कीजिए जल्दी नोट कीजिए नोट हो गया ना। सो गाइस आज का हमारा लेक्चर यहीं तक था। ठीक अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें वीडियो को लाइक कर दें अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दें ताकि आपके मित्र भी आसान भाषा में समझ सके कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है। कठिन होती है बिल्कुल नहीं है लोग इसको कठिन अपने आप से सोच के बना देते हैं। ठीक और टीचमेंट ऐप जो लोग यूज करते हैं उस पर हमारे कोचिंग का नाम एक्सेल कोचिंग सेंटर है उस पर जाएं एनरोल करें अभी सब फ्री में है हमारा। ठीक फ्री में सब चला रहे हैं एक्सेल कोचिंग सेंटर। ठीक वहां पे जाइए एनरोल कीजिए और वहां पे सेशनल टेस्ट बहुत सारे हैं वीडियोस अपलोड कर दी गई हैं हम लोगों की। ठीक वहां पे आप जाके ज्वाइन कीजिए और पढ़ाई का आनंद लीजिए। जो लोग टेलीग्राम चलाते हैं उनके लिए एक्सेल कोचिंग क्लासेस टेलीग्राम पे सर्च करेंगे जैसे हमारा एक्सेल कोचिंग क्लासेस दिख जाएगा वहीं पर उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस। ठीक इसको बिल्कुल भी मत भूलिएगा सब्सक्राइब करने के लिए। ठीक क्योंकि हम ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। ठीक है थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।